इंडिया न्यूज पोल स्टेट का एग्जिट पोल हम आपको लगातार बता रहे हैं वो फिगर्स। इसके अलावा दो और एग्जिट पोल्स का जिक्र यहां हम कर रहे हैं, नेता एप्लीकेशन और सी वोटर। लेकिन क्या कहता है सट्टा बाजार का आकलन? कहते हैं सट्टा बाजार जो अंदाजा लगा लेता है बड़े बड़े पंडित भी नहीं लगा पाते, लेकिन इन पोल पंडित के बीच में सट्टा बाजार में एनडीए की सरकार पर दांव लगाया जा रहा है। इंदौर सट्टा बाजार कहता है एनडीए को 282 से 300 सीटें मिलेंगी। रतलाम सट्टा बाजार की अगर बात करें एनडीए को 315 से 320 सीटें रतलाम में मिल रही है। फलौदी सट्टा बाजार में भी एनडीए को ही बढ़त मिल रही है, 310 से 320 सीटें यहां पर दे दी गई हैं। इंदौर की अगर हम बात करें यहां एनडीए को 282 से 300 सीटें दी जा रही हैं। तो एनडीए की सरकार पर दांव लग रहा है सट्टा बाजार में और एक तरफा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है एनडीए को सट्टा बाजार में। चलिए तो हमारे साथ यहाँ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, दो और नए मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सुधीर मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, एसएन शुक्ला साहब वरिष्ठ पत्रकार और अभिषेक हमारे संवाददाता। लेकिन पहले हम उनका रुख कर लें। अभिषेक, ये सट्टा बाजार कहते हैं कि बहुत अच्छे से नब समझता है, क्या अगर ये छोड़ भी दें कि कहां किस सट्टा बाजार में एग्जैक्ट फिगर क्या है, तो ये तय लग रहा है क्या सट्टा बाजार के हिसाब से कि सरकार एनडीए की बन रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए सही कहा आपने, सट्टा बाजार अगर देखिए, अगर कहीं अगर वो अपनी गणित लगाता है और कहीं ना कहीं वो अनुमान लगाता है जिस पार्टी की तरफ, तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि जो रुख है कहीं ना कहीं उसी पार्टी की तरफ है। और सट्टा बाजार हमेशा उस बात को लेकर हमेशा गर्म रहता है जिस पर अच्छा पैसा लगाया जाए, यानी जो पार्टी जीतती रहे। और इसीलिए अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात करें, देश में जो सट्टा बाजार की बात करें, इसमें साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी सूरत में एनडीए को बढ़त मिल रही है, बीजेपी को अकेले 240 लेकिन ये जो एग्जिट पोल्स होते हैं ये खास तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इनका एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। ये सट्टा बाजार के लोग किस तरीके से आकलन करते हैं कि कहां कौन जीत रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं, कहां कौन हार रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए इनका एक बड़ा कह सकते हैं एक बड़ा नेटवर्क होता है, पूरे देश नहीं, पूरे देश विदेश में बड़ा एक नेटवर्क होता है और हर जगह से कनेक्टेड होते हैं, हर एरिया में कनेक्टेड होते हैं और उन्हें पता होता है। जैसे कि हम आप जो लोगों से हम पूछते हैं, आम आदमी से पूछते हैं, यह भी उन्हीं लोगों से कहेंगे जुड़े होते हैं, तमाम इनके अलग अलग एरिया में बुकीज होते हैं, उन सभी लोगों संपर्क में रहते हैं कि आखिरकार एक एक सीट पर इनका बकायदा सटीक इनका अनुमान होता है। और कह सकते हैं कि सट्टा बाजार में जब कभी भी ऐसा अगर इनका आकलन होता है, जब कभी भी अपना आकलन कर रहे होते हैं या कह लीजिए सर्वे कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, तो पुलिस को पता नहीं चलता? बिल्कुल, देखिए यह सब जो होता है दिनेश, बिल्कुल पुलिस से नजर छुपा कर होता है, पुलिस के सामने कुछ नहीं कर सकते, नहीं पुलिस को पता चले तुरंत इन्हें पकड़ ले और गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सट्टा लगाना हमारे देश में कानूनन अपराध है, तो यह पुलिस से। लेकिन अभी मौजूदा जो सट्टा लग रहा है और जो फिगर्स दिख रहे हैं उसमें भी पकड़ेगी क्या पुलिस? बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस को यह पता चलता है कौन सट्टा लगा रहा है, कौन वह व्यक्ति है जो इलीगल तरीके से कर रहा है, बिल्कुल पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, उसमें कोई भी दो मत नहीं है। लेकिन हाँ जरूर, जिस तरीके से तमाम जो हमारे साथ लोग आकर जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जो आप कैमरा बात करते हैं, कैमरे के सामने आते हैं तो अपना मुंह छुपाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है साथ आप कहते हैं कि हमारा चेहरा टीवी पर नहीं आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वह खुद सच खुद का आकर बोलना चाहते हैं। जानकारी हमारे पास यह है, देखिए दिनेश, करीबन 6,000 करोड़ के आसपास सट्टा लगा हुआ है इस पूरे इलेक्शन में, और इससे जानकारी जिसे लगातार नहीं आ रही, 240 260 के आसपास अकेले बीजेपी आ रही है। एक सट्टा बाजार की तरफ से अभी आंकड़ा आ रहा है कि 200 के आसपास कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल आ सकती हैं, यानी कांग्रेस भी कहीं कहीं अच्छी मार्जिन दिखाई पड़ रही है सट्टा बाजार के मुताबिक। लेकिन हाँ यह बात साफ है कि एक तो सट्टा जो के लिए सट्टा लग रहा है, और मनीष अवस्थी अपने रिपोर्टिंग डेज में उन्होंने बहुत सारे बेटिंग और सट्टे से रिलेटेड चीजों को अनर्थ किया है, उनके पास हम चलेंगे और समझेंगे कि ये सट्टे में कहते हैं कि खास तौर से एक साइलेंट वोटर होता है जो क्वेश्चन आयर तक का जवाब नहीं देता सर्वेस के दौरान, तो फिर ये कौन से लोग होते हैं जो उनसे भी निकलवा लेते हैं कि वो किसको वोट देकर आए? लेकिन ये भी बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि जो तमाम एग्जिट पोल हैं और अब ये जो सट्टा बाजार का भी हमने भविष्यवाणी एक तरह से दिखाई है वो तकरीबन एक है, बिल्कुल एक है, अगर हम नहीं कहें तब भी एनडीए को यहाँ पर बड़ा, लेकिन सरकार एक की, हाँ सरकार एक की बनती दिखाई दे रही है। तो अब जबकि विपक्ष अगर ये कहना चाहे कि हम तो एग्जिट पोल नहीं मानते, तो देखिए अब एक दूसरी चीज भी यहाँ पर सामने आ गई है और वो है सट्टा बाजार, यानी रुख अभी तो फिलहाल एक ही दिखाई दे रहा है। चलिए, वो जो तीसरा एग्जिट पोल हमने दिखाया, पहले हमने दिखाया पोल स्टेट और इंडिया न्यूज का, उसके बाद
हमने नेता एप्लीकेशन का दिखाया और सी वोटर का जो एक तरीके से ओपिनियन माफ कीजिए एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल क्या कह रहा है स्टेट वाइज हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको एक के बाद एक राज्यवार आपको ये दिखाते हैं कि सी वोटर ने कहां किसको कितनी सीटें समझी हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 19 सीटें मिल रही हैं, 15 सीटें यहाँ पर शिवसेना के खाते में गई हैं, कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं, एनसीपी को 6, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें यहाँ पर है। तो 19 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई और शिवसेना को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब गठबंधन यहाँ पर काम कर रहा है। 34 अगर आप जोड़ लें तो, और इधर भारतीय जनता पार्टी को गोवा में 1-2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस को 1-1 के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को 1-1 और गुजरात में 26 सीटें। बिल्कुल 26 सीटें गुजरात में है। 2014 में तो बीजेपी को पूरी सीट मिल गई थी लेकिन इस बार 4 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में 22 सीटें हैं जबकि कांग्रेस को भी यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 4 सीट खिसक गई है बीजेपी के खाते से। कर्नाटक की 28 सीटें क्या कहती हैं? कर्नाटक की 28 सीटों में से 18 भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 6, बीएसपी को 1 भी नहीं, जेडीएस को 3 और अन्य के खाते में 1। तो अब राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, केरल की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी 0 है यहाँ पर, कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की 12 सीटें यहाँ पर दिनेश जी कह सकते हैं वायनाड से चुनाव लड़वाना यहाँ पर फायदे का सौदा रहा है कांग्रेस के लिए। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, समझेंगे कि वो क्या समझते हैं कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का यहाँ से लड़ जाना, उनका इन्फ्लुएंस दूसरी सीटों पर भी दिखाई दिया है क्या। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को 5, डीएमके को 22, एआईएडीएमके को 10 और अदर्स के खाते में 1, मतलब डीएमके की टैली बड़ी। तेलंगाना का रुख कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, टीआरएस को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, आने के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर गई है। सी वोटर का एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, तेलंगाना की 17 सीटों के लिए ये रहा और पंजाब की 13 सीटें क्या कहती हैं? पंजाब की 13 सीटें, बीजेपी को मात्र 1 सीट यहां पर मिल रही है, इसके अलावा कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 पर अटक करके रह गई है। इसकी क्या वजह हो सकती है ये भी जानेंगे हम। हरियाणा की 10 सीटों का अनुमान ये है, भारतीय जनता पार्टी को 9, कांग्रेस को 1, INLD को कोई नहीं, आम आदमी पार्टी को कोई नहीं, अदर्स को भी कोई सीट नहीं। चलिए आप जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। 6 सीट है जम्मू कश्मीर में, 3 बीजेपी के खाते में जा रही है और इसके अलावा एनसी को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पीडीपी और कांग्रेस 0-0 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से चारों ही भारतीय जनता पार्टी को, चौका मारने की बात अभी कह ही रहे थे अनुराग ठाकुर, और कांग्रेस और अन्य के खाते में जाहिर है कुछ भी नहीं। और चलिए हिमाचल प्रदेश के बाद अब सबसे बड़े सूबे की बात कर लेते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं और वो है उत्तर प्रदेश। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्या है उसके दिल में, ये भी हम आपको जरूर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बीजेपी के पास 37 सीट जा रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी को 22 सीट और बीएसपी के खाते में भी 18 सीट जा रही है, अन्य के खाते में 1 सीट है। बीजेपी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 की 5ों, कांग्रेस बीएसपी अदर्स नील। और चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं। 13 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है, जेडीयू के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में 2। तो यहाँ भी महागठबंधन का कमाल दिखाई दे रहा है बीजेपी और जेडीयू का। एनडीए को 30 सीटें यहाँ दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में 6 सीटें, कांग्रेस को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 और अन्य के खाते में 1। तो सिलसिलेवार हम राज्य की कितनी सीटें किसको मिल रही हैं वो आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 5 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सुशील पंडित साहब यहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के आंकड़े हम देख लें उसके बाद उनका रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 24 इसके मुताबिक, कांग्रेस को 5, अदर्स को 0। आपने ये जो तमाम फिगर्स सुशील पंडित साहब देखे, आप मीडिया प्लानर भी रहे हैं, आंकड़ों को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझते हैं, बिटवीन द फिगर्स क्या होता है वो भी समझते हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखिए ये एक कठिन चुनाव लग रहा था क्योंकि 4 बड़े फैक्टर्स थे। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि पिछले 2014 के चुनाव में विपक्ष बिखरा हुआ था, इस बार विपक्ष लगभग एकजुट था सब जगह। दूसरे, पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रति बे इंतहा गुस्सा था
और लोग इंतजार कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे। इस बार कांग्रेस क्योंकि सत्ता में नहीं थी तो गुस्से में वैसी प्रचंडता नहीं थी, क्योंकि तब भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था, लोग इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले और सबक सिखाएं। तीसरी बात, पिछली बार मोदी एक प्रॉमिस थे, एक कल्पना में एक बहुत बड़ा आश्वासन थे, अब मोदी एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। अनुभव हमेशा मॉडरेशन में आ जाता है, ले आता है। जो खुली हुई मुट्ठी होती है उसमें वो अतिरेक नहीं होता जो बंद मुट्ठी में रहता है। और चौथी बात सबसे बड़ी ये कि अपने अपने गढ़ों में भाजपा ने सैचुरेशन परफॉर्मेंस दी थी, उससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, कम होने की ही गुंजाइश थी। और आपने जो एस्पिरेशन पर था, ये डिलीवरी पर है। जी हाँ, मैंने कहा ना, डिलीवरी कितनी भी हो एक मॉडरेशन पे ले आती है। एस्पिरेशन जो है वो एक इमेजिनेशन को उड़ान देती है और वो कई बार हदें पार कर जाती है। ये सब घटनाएं अगर आप जोड़ करके देखें तो बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को सामने रखते हुए अगर आप ये फिगर्स देखते हैं तो लगता है कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। राजीव जेटली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आशुतोष वर्मा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली साहब, अभी एस्पिरेशंस पर, डिलीवरी पर बात हो रही थी और ये कहा गया कि डिलीवरी को लेकर अक्सर बहुत ज्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो कम होती हैं और ये स्वाभाविक है। क्या आप ये मानते हैं कि उन राज्यों में कम से कम जहां भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट्स नहीं थे या जहां पर वो और बेहतर कर सकती थी, कम से कम एस्पिरेशंस और डिलीवरी के हिसाब से वहां अब कमल खिलने की गुंजाइश बनने लगनी चाहिए थी? देखिए, बिल्कुल, मैं अभी देख रहा हूं एग्जिट पोल, अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग रिजल्ट दिखाए गए हैं। खैर, ये अंडर करंट, मुझे लगता है कि अंडर करंट जो है वो शायद एग्जिट पोल में बहुत अच्छी तरह से उभर के नहीं आया। जो अंडर करंट है वो बता रहा है कि कम से कम भी 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली। एस्पिरेशंस की बात करी, हमारा तो नारा ही एक ही है। और जो आपने कहा जिन राज्यों में हम नहीं थे, जिन राज्यों में हम नहीं थे वहां पे भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ भी साउथ में नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ एग्जिट पोल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल कम दिखा रहे हैं लेकिन कुछ एग्जिट पोल में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन नटशेल में अगर बात करें तो 300 प्लस एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। अब बात यह है कि हमारा तो एक ही नारा रहा कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई और किसानों को सिंचाई। और ये पूरे देश के अंदर अगर हम इस नारे के हिसाब से चलें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जो आम जन है उसकी ये जरूरत ना हो। और इन जरूरतों को पूरा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया है। आशुतोष जी, तो भारतीय जनता पार्टी जो नत समझती है वो अभी दूसरों को समझने में वक्त लगेगा। पार्टी बड़ी पार्टी हो सकती है और अभी उत्तर प्रदेश के बारे में आपने गठबंधन को लगभग 40 सीटों का अनुमान दिया है। मुझे लगता है कि 23 तारीख आने तक ये और बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अभी कम से कम दहाई में ही रहेगी, इसके ऊपर नहीं बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा वोट दिया है गठबंधन को और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इसमें और टैली बढ़ेगी हमारी, 40 के ऊपर भी जाएगी, हम 50 तक छुएंगे। लेकिन गठबंधन के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि असल में सीधे सीधे ये देखा गया कि किसको कितना वोट परसेंटेज मिला था, उसको जोड़ा गया कि अगर कौन कौन आपस में मिल जाए तो वोट परसेंटेज विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकता है, लेकिन ये नहीं समझा गया कि आइडियोलॉजी असल में नहीं मिलती है। और नीचे कई बार ऐसा भी हुआ कि ऊपर महागठबंधन की रैली में लीडर संबोधित कर रहे थे और नीचे जिन डंडों पे झंडा लगा के लोग आए थे उसी से एक दूसरे को पीट भी रहे थे। तो आपको ये लगता है क्या कि वो जो कॉम्बिनेशन पेपर पे होता है कई बार धरातल पर नहीं उतरता? नहीं, ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि ना ही इस तरह से कोई सोच थी, लेकिन अगर आप जो आप बता रहे हैं अगर उस तरह की भी सोचे तो उत्तर प्रदेश की 42 की सीटों पे अगर 2014 की तरह ही मतदान होता तो भी हम आगे थे। हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, हमारा अनुमान है कम से कम हम 50 के आसपास बिल्कुल ही रहेंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं है, वोट ट्रांसफर अच्छे हुए हैं और अभी ये अनुमान है। मुझे लगता है कि अभी इंतजार कीजिए 2 दिन का और मुझे लगता है बढ़ेगा भी इसमें। एक सेकंड, क्या राजीव जेटली साहब से हम ये पूछ सकते हैं कि जेटली साहब ये जो फिगर्स आपके दिखा रहे हैं कि आपकी सरकार लगता है बन जाएगी,
ये मोदी साहब ऊपर केदारनाथ गए, उसका उसका फल भी हो सकता है पार्टी के लिए। नहीं नहीं, मोदी साहब ने जो 5 साल मेहनत करी है, 5 साल जनता को दिए हैं, 5 साल देश को दिए हैं, देश का विश्व में सम्मान बढ़ाया है, देश की सुरक्षा की है, देश की जरूरतें पूरी करी हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपने देखिए लगभग हम पिछले 2 महीने से चर्चाएं कर रहे हैं, 2 महीने से जब उत्तर प्रदेश में आते थे तो आपके चैनल के ऊपर भी यही चर्चा होती थी, बार बार ये बोला जाता था कि गठबंधन के साथ कुछ जातियां चली जाएंगी। जब हमारी चर्चाएं खुलकर जातियों पर लेकर हो रही थी तो अपने आप में दर्शाता था कि वो जातियां सोचती थी शायद मेरी बोली लगा दी गई है। मेरी एक राजनीतिक पार्टी क्लेम कर रही है कि ये जाति मेरी है और दूसरी राजनीतिक पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये मेरी जाति है, तो आप जातियों की बोली कैसे लगा सकते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो हमारे देश के उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं, लेकिन उसको तो उसको हमेशा रीजनल एस्पिरेशन का नाम दिया गया, उसको ये कहा गया कि ये असल में क्षेत्रीय वहां के लोगों की आवाज उठाने वाली पार्टियां हैं। आशुतोष इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? आशुतोष जनता पार्टी के प्रवक्ता जातियों की बात इन्होंने ही शुरू करी, और उत्तर प्रदेश में अक्टूबर का महीना ऐसा था 2018 में कि कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के अंदर हर जातियों का एक सम्मेलन किया था एक्सक्लूसिव करके, तो जातियों की बात ही करते थे। हमने उन किसानों की बात करी है, उन नौजवानों की बात। अच्छा ये बताइए, राजीव जेटली साहब के बड़े नेता वहां केदारनाथ में जाकर ध्यानमग्न हुए, इधर आपने कोई इफ्तार पार्टी अटेंड किया आज? नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इसमें रमजान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, इफ्तार पार्टियां आती हैं, हम लोग जाते हैं, अब जब भी चुनाव से मौका मिलता है हम लोग बिल्कुल जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, हम दुर्गा पूजा भी करते हैं, हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, इफ्तार पार्टी भी करते हैं, यही सब। हम पोल स्टेट के एक बार फिर से आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखाएं, उससे पहले शीला जी आपका क्विक कमेंट, अभी जो दोनों तरफ से बातें चल रही थी, असल में किस डिस्कोर्स को सब्सक्राइब किया है वोटर्स ने, अगर आंकड़े ये हैं तो? देखिए, अगर ये आंकड़े सही है जो एग्जिट पोल को कोई पत्रकार इतना पक्का नहीं मान सकता है, पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने दूसरे अलाइज के साथ जिस हद तक और जितनी बेखूबी से अलायंस करने चाहिए थे नहीं करे, ऑपोजिशन में यूनिटी नहीं थी, उसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ऑपोजिशन स्प्लिंटर्स में था और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिला है। एक बार फिर से आपको वो फिगर्स दिखाएं जो इंडिया न्यूज पोल स्टेट ने अपने सर्वे में पाया है, एक एक करके राज्यवार हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद तो ओवरऑल पिक्चर आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे, बीजेपी को यहाँ पर 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 8 सीटें गई हैं, 29 सीटें खुले हैं मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल की इसके बाद बात कर लेते हैं, 14 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, टीएमसी को 26 सीटें मिल रही है, सीपीएम शून्य पर यहाँ पर सिमट करके रह गया। अब राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जा रही है, 24 सीट बीजेपी को मिली है, 25 सीट कुल राजस्थान में है, 1 सीट कांग्रेस को यहाँ जरूर मिल रही है। एक एक करके तमाम राज्यों की हम बात कर रहे हैं, गुजरात की 26 सीटों की अब बात कर लेते हैं, 1 सीट यहाँ पर भी कांग्रेस को मिल रही है, जबकि 25 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो राजस्थान और गुजरात वो प्रदेश है जहां 2014 में पूर्ण बहुमत मिला था बीजेपी को, अभी फिलहाल 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, 39 सीट यहां पर है, बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है, डीएमके के खाते में 19 सीट जा रही है, 2 सीट यहां पर अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएडीएमके को यहाँ पर 10 सीट, एआईएडीएमके यहाँ एनडीए में है, एनडीए का एक हिस्सा है और डीएमके यूपीए का हिस्सा है। तो ये तस्वीर आपके सामने तमिलनाडु की, छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं, 7 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, 11 सीट कुल है छत्तीसगढ़ में, अन्य शून्य पर है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और कुछ यही तस्वीर 2014 में भी हमने देखी थी।
हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। 10 सीट है हरियाणा में, 8 बीजेपी को मिल रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब का रुख करेंगे, 13 सीट है पंजाब में, 1 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल को यहां पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बिहार का रुख करेंगे, बिहार की 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है 15, कांग्रेस को 2, जम्मू कश्मीर, लेकिन जब तक नजारा बदल गया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, आदर्श के खाते में 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2। महाराष्ट्र की 48 सीटें, 23 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 5, शिवसेना 13, तो 23 और 13 जोड़ लीजिए, एनसीपी 6, आदर्श 1। आंध्र प्रदेश की ये रही 25 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी 17, वाईएसआर 8, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। 17 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जेडीएस के पास यहां पर 2 सीट मिल रही है। तो कर्नाटक की 28 सीटों का ये गणित है आपके सामने। तो कांग्रेस, जेडीएस और बीएसपी ने बेशक यहां पर सरकार बना ली हो असेंबली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो बाजी कर्नाटक में मारती हुई दिख रही है। लेकिन क्या कहता है जम्मू कश्मीर का गणित, जो फिगर्स हमने देखे, इसके अलावा हम कुछ और बड़े राज्यों का गणित, मसलन वेस्ट बंगाल का गणित और उत्तर प्रदेश का गणित समझे, इससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हमारे साथ ये तमाम मेहमान बने हुए हाजिर होते हैं।